साथियों, जो कहानी है वो कई हजार साल पुरानी है। तो मनु नाम का व्यक्ति रहा होगा और उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो आज तक की जो दुनिया की जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं उनमें सबसे ज्यादा क्रूरतम व्यवस्था मानी जाती है। 2500 साल के करीब महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने एक बार इस व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। लेकिन जो ब्राह्मणवाद का और मनुवाद का जो ताकतें थी, उन्होंने बुद्ध को पूरे भारतवर्ष से समाप्त कर दिया और एक बार पुनः हमारे देश में मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम कर दी। अभी संदीप जी ने बताया कि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं क्योंकि मेरा जन्म 1956 में हुआ। खुदा ना खास्ता अगर मेरा जन्म 1856 में हुआ होता, 1756 में हुआ होता, तो मैं कहीं भैंस चरा रहा होता। तो 1950 में, और उससे पहले जब अंग्रेज भी आए, अंग्रेज से पहले मुगल आए, जब मुगल आए तो उन्होंने यहां के जितने भी मनुवादी व्यवस्थाएं थी, जो यहां के ब्राह्मणवादी लोग थे, उनसे समझौता कर लिया। मुगल को यहां पे इस्लाम फैलाने भी नहीं आए थे, वो अपना अय्याश वाला जीवन जीना चाहते थे, उनको अपनी बादशाही करनी थी। और यहां की जो तमाम ताकतें थी मनुवादी, जो यहां के राजस्थान के राजपूत थे, ब्राह्मण थे, उनके साथ उन्होंने समझौता कर लिया कि तुमने जो करना है करो और फिर हमें जो है अपनी बादशाहत करनी हो। और उसके बाद जो मनुवादी व्यवस्था है वो एज इट इज चलती रही। इस्लाम जबकि इस चीज के खिलाफ था, लेकिन फिर भी वही मनुवादी व्यवस्था चलती रही। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ देश को आजाद कराने के लिए। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस परिवार से आता हूँ। मेरे पिता आजाद हिंद फौज में लड़े और आजाद हिंद फौज के 26,000 जो सेना शहीद हुए देश को आजाद कराने में, उसमें ज्यादातर हमारे लोग। लेकिन अंग्रेज एक तरह से कहा जाए, अगर ये ब्लास्फेमी ना हो, कि दे वर ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अंग्रेजों ने यहां पर इक्वलिटी का, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो एक राज कायम किया। और जैसे ही अंग्रेजों ने इक्वलिटी बिफोर लॉ का राज कायम किया इस देश में, तो उनकी खिलाफत शुरू हो गई। आपने देखा मुगलों की खिलाफत नहीं हुई, मुगलों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लोगों ने आरा पढ़ सकते हैं, उनके नाम इतिहास में दर्ज है, कौन लोग थे जो सबसे ज्यादा परेशान थे, उन्होंने आंदोलन चलाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे इक्वलिटी बिफोर लॉ। बाबा साहब अंबेडकर आए, उन्होंने लड़ाई लड़ी। 1950 में हमारा एक संविधान लिखा गया बाबा साहब की अध्यक्षता में, और उसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया गया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनकी सूची बन चुकी थी बाबा साहब के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने में। लेकिन जो अन्य पिछड़ा वर्ग था, जो सामाजिक मतलब मेन स्ट्रीम से अलग था, दरकिनार कर दिया गया था, हाशिए पे धकेला हुआ वर्ग था, उसकी कोई एक प्रॉपर सूची नहीं थी। तो संविधान में धारा 340 में ये लिखा गया कि एक आयोग बने और वो उन वर्गों की पहचान करे जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो अछूत तो नहीं है लेकिन सामाजिक तौर पे उनको अवसर नहीं दिए गए सदियों से। तो वो संविधान में लिख दिया। और इस मायने में मैं कहूंगा कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाई हैं बहुत लकी रहे, क्योंकि जितनी उनकी आबादी थी उसके मुताबिक, उसके बराबर उनको 1950 से आरक्षण मिलना शुरू हो गया। लेकिन पिछड़ों की अभी पहचान नहीं हुई थी, इसलिए उनके लिए जो भी कल्याण के कार्यक्रम थे वो शुरू नहीं हुए। और जो भी लोग, नाम लेना इस समय बहुत ज्यादा उचित भी नहीं है, लेकिन जो भी लोग सत्ता में आए, उनका कोई मन से इच्छा भी नहीं थी कि इस देश की 52% आबादी या उससे भी ज्यादा शायद, उसका कल्याण किया जाए। और चूंकि 52% आबादी एक सोता हुआ शेर थी, वो मांग ही नहीं थे अपने अधिकार, तो जो चलना था चलता रहा। 26 जनवरी 1950 को आपका देश में रिपब्लिक यानी गणतंत्र यानी संविधान लागू होता है। 3 साल बीत जाते हैं
29 जनवरी 1953 को 3 साल के बाद एक काका कालेलकर रिपोर्ट काका कालेलकर आयोग बनता है। अब वो भी अपने आराम आराम से काम करते हैं, दो सवा दो ढाई साल बीत जाते हैं, 1955 में आकर के एक रिपोर्ट आती है काका कालेलकर, और उसमें उन्होंने 40% और अलग इसके अलावा भी कुछ अनुशंसाएं की कि पिछड़े वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाए। 1955 में आयोग की रिपोर्ट आ गई और उसको तय खाने में फेंक दिया गया, दीमक खाती रही, उस रिपोर्ट के ऊपर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसा भाई साहब ने सत्यनारायण जी ने भी बताया कि डॉक्टर लोहिया जो थे वो पिछड़ों की बातों को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, और उन्होंने एक आंदोलन चलाया पिछड़ा पावे सो में साठ, और कोशिश की कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू किया जाए। तो हमारे देश का जो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग थे उन्होंने एक जबरदस्त आंदोलन चलाया, लेकिन वो सत्ता में नहीं थे, बहुत थोड़े थे, पार्लियामेंट के अंदर थे नहीं। और सत्ता में वो आता है, ये पॉलिटिकल साइंस के यहाँ शायद एक प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं, कि जिन वर्गों का कब्जा सड़क पे होता है उन्हीं वर्गों का कब्जा संसद में होता है, और जिन वर्गों का कब्जा संसद में होता है वही नीति बनाते हैं, और वो किसके फेवर की नीति बनाते हैं, अपने फेवर की, अंधा बांटे रेवड़ी मुनोड़ खुद को दे। तो 1955 से लेके संघर्ष तो चला, चंद बुद्धिजीवी थे जिन्होंने चलाया, दिल्ली में हमारे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी थे कि काका कालेश्वर की रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक खुशकिस्मती हुई कि 1977 में एक पार्टी बनी, जनता पार्टी, जिसमें एक बहुत बड़ा जो धड़ा था वो सोशलिस्ट लोगों का था, जो लोहियावादी लोग थे, सोशलिस्ट में भी दो